वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखेंगे इंडिया के 10 अमीर तरीन लोग, जिनके पास इतना पैसा है कि हमें खुद भी नहीं पता कितना पैसा है। लेकिन बहुत पैसा है। तो आज देखेंगे भाई कौन से वो अमीर 10 लोग हैं। ये बिल्कुल न्यू लिस्ट होने लगी है, इसमें मतलब मेरे ख्याल में 3 मंथ ही पुरानी है, 2 मंथ पुरानी सॉरी। तो इसमें जो वो होगी सारी मतलब न्यू लिस्ट ही होगी। तो यार आपको अंदाजा हो जाएगा कौन अमीर लोग हैं इंडिया के 10। मुझे तो सिर्फ एक ही पता है और वो है अपने बाबू भैया। मोटा भाई जिनको बोलते हैं, मतलब बड़े भाई मुकेश अंबानी सर। तो जल्दी से देखते हैं सच्ची खबर का वीडियो। ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 6 महीने में कोरोना वायरस के कारण बड़े बड़े अरबपतियों की संपत्ति में काफी बदलाव देखने को मिला है। किसी की संपत्ति घट गई है तो किसी ने जमकर कमाई की। मशहूर बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने इस साल भारत के अमीर बिजनेसमैन की जो लिस्ट जारी की है उसमें से टॉप 10 में से कई बड़े नाम गायब हो चुके हैं। वहीं कई ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जिन्होंने पहली बार टॉप 10 या टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के 10 सबसे अमीर बिजनेसमैन के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर 3 महीने पर फोर्ब्स या ब्लूमबर्ग जैसी संस्था अपडेटेड लिस्ट जारी करते रहती है। अच्छा। जिस कारण टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में हमेशा बदलाव देखने को मिलता है। इसलिए हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो लिस्ट में से कुछ नाम टॉप 10 में से बाहर हो चुके हैं। तो आप लोग हमें बता सकते हैं न्यू लिस्ट का। बिल्कुल। गोदरेज फैमिली, मतलब गोदरेज वाली भाई। दोस्तों, सबसे अमीर बिजनेसमैन की इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है गोदरेज फैमिली। गोदरेज ग्रुप की स्थापना सन 1897 में हुई थी। वर्तमान में इस ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज हैं। गोदरेज कंपनी ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स बनाती है, इसके अलावा रियल एस्टेट में भी डील करती है। काफी मशहूर है भाई, इस तरह के आइटम्स बनाती है। गोदरेज फैमिली की नेटवर्थ $11 बिलियन था। अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो यह 81,310 करोड़ रुपए के बराबर होगा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले गोदरेज फैमिली की संपत्ति में $1 बिलियन यानी 7,392 करोड़ रुपए की कमी आई है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में $1 की 73.92 रुपए माना है। मतलब हर चीज बताते हैं सच्ची खबर वाले। दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर साइरस पूनावाला की कुल संपत्ति $11.5 बिलियन यानी 85,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर COVID-19 की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड की वैक्सीन का इंतजार है, जिस कारण वैक्सीन और शायद यही कारण है कि पिछले साल के मुकाबले साइरस पूनावाला की संपत्ति में $3 बिलियन यानी 22,164 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। पलोन जी मिस्त्री। दोस्तों, 155 साल पुराना बिजनेस ग्रुप सपूर जी पलोन जी ग्रुप यानी SP ग्रुप के चेयरमैन पलोन जी मिस्त्री का नेटवर्थ $13.2 बिलियन यानी 97,573 करोड़ रुपए है। SP ग्रुप का कारोबार मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, होम अप्लायंसेज, शिपिंग इत्यादि क्षेत्रों में फैला हुआ है। पिछले साल के मुकाबले पलोन जी मिस्त्री की संपत्ति में $2.2 बिलियन यानी 16,253 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सब नाम ब्रदर्स ग्रुप को 4 भाई श्री चंद, गोपी चंद, प्रकाश और अशोक मिलकर चलाते हैं। 106 साल इस कंपनी का कारोबार ऑटोमोटिव, केमिकल, बैंकिंग और फाइनेंस इत्यादि सेक्टर में फैला हुआ है। मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लीलैंड हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। हिंदुजा ब्रदर्स $13.7 बिलियन यानी 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। पिछले साल के मुकाबले हिंदुजा ब्रदर्स की संपत्ति में लगभग $1 बिलियन यानी 7,392 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अच्छा, इजाफा हुआ, मैं समझा कम हुआ है। मित्तल फैमिली भाई के नाम से मशहूर मित्तल, हालांकि ब्रिटेन में अपना बिजनेस करते हैं लेकिन उन्हें इंडियन बिजनेसमैन भी माना जाता है। आर्सेलर मित्तल कंपनी के सीईओ लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति $14.1 बिलियन यानी 1,04,000 करोड़। काफी मशहूर। पिछले एक साल में लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति में $500 मिलियन यानी 3,694 करोड़ रुपए की बढ़त हुई है। अच्छा, बढ़ोतरी हुई है, कोविड में भी की है।
देखो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक बैंक इनका है ना, कोटक महिंद्रा बैंक सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में पांचवे स्थान पर है। उदय कोटक की कुल संपत्ति 15.8 बिलियन डॉलर यानी 1,16,792 करोड़ रुपए है। 2019 की तुलना में उदय कोटक की संपत्ति 2020 में 5,910 करोड़ रुपए बढ़ी है। अच्छा बढ़ी है। दोस्तों मशहूर रिटेल चेन डी मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। 21 दिसंबर 2020 तक पूरे भारत में डी मार्ट के 214 स्टोर खुल चुके हैं। चूंकि डी मार्ट में घर का राशन का सामान भी मिल जाता है, इसलिए लॉकडाउन के दौरान डी मार्ट सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ग्रुप भी था। यही कारण है कि राधा किशन दमानी की कुल संपत्ति पिछले साल के 10.1 बिलियन डॉलर के मुकाबले इस साल 18.9 बिलियन डॉलर हो चुकी है। इतनी ज्यादा 1,39,706 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि इस साल राधा किशन दमानी की संपत्ति में 8.8 बिलियन डॉलर यानी 65,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। इतनी जल्दी हर एक साल में शिव नादर। दोस्तों भारत की टॉप आईटी कंपनियों में से एक एचसीएल के फाउंडर और चेयरमैन शिव नादर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। शिव नादर की कुल संपत्ति करीब 21.7 बिलियन डॉलर यानी 1,60,404 करोड़ रुपए है। पिछले साल के मुकाबले शिव नादर की संपत्ति 5.9 बिलियन डॉलर यानी 43,589 करोड़ रुपए बढ़ी है। अडानी ये बहुत मशहूर हो गया यार। और चेयरमैन गौतम अडानी इसका आखिर पे वैसे तो अडानी ग्रुप के बिजनेस बहुत सारे फील्ड्स जैसे रियल एस्टेट, धातु, पावर जनरेशन, पोर्ट्स डेवलपमेंट इत्यादि में फैले हुए हैं, जिसके बारे में आम भारतीयों को बहुत कम ही मालूम है। लेकिन अडानी विल्मर का प्रोडक्ट फॉर्च्यून ऑयल लगभग सभी घरों में इस्तेमाल होता है। गौतम अडानी के लिए 2020 खासा अच्छा रहा है। पिछले साल गौतम अडानी की कुल संपत्ति करीब 9.92 बिलियन डॉलर थी। उसके मुकाबले इस साल अडानी की संपत्ति में 15.28 बिलियन डॉलर यानी करीब 1,12,890 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले इतनी बढ़ोतरी हुई है। 2020 तक गौतम अडानी की कुल संपत्ति करीब 25.2 बिलियन डॉलर यानी 1,86,275 करोड़ रुपए। आप समझो 3 महीने पहले। आपकी जानकारी के लिए एक और मजेदार बात आपको बताना चाहूंगा कि गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट है यानी वो 12वीं तो पास है लेकिन ग्रेजुएट गाइस लेकिन कॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है कि उनके अंडर लेकिन पैसा भी हो ना वैसे बिजनेस करो अपना कर रहे हैं। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सही दिशा में पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ड्रॉप आउट ही हमेशा अमीर होते हैं। दोस्तों नंबर वन पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। दोस्तों आज हर हाथ में रिलायंस का जियो सिम पहुंच चुका है, जिस कारण अब हमारे लिए कॉलिंग और डेटा लगभग फ्री के बराबर हो गई है। लेकिन इसी जियो ने मुकेश अंबानी को भारत का नंबर वन और विश्व का 9वां सबसे धनी आदमी बना दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल 31 दिसंबर 2019 को मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 36.8 बिलियन डॉलर था, जबकि इस साल 21 दिसंबर 2020 तक मुकेश अंबानी की संपत्ति 88.7 बिलियन डॉलर इस तरह पिछले एक साल में अंबानी की संपत्ति में आश्चर्यजनक रूप से 51.9 बिलियन डॉलर यानी 3,83,442 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों इस वीडियो में बताइए कि यार गाइस ये वीडियो खत्म। पहले नंबर पे थे अंबानी सर, तो अब आते हैं यार भाई आपको मैं दूसरे नंबर वाले उस महान अंबानी नहीं था अंबानी उसका मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था एलोन मस्क का, उन्होंने मुकाबला तोड़ा एक वीक में 16 बिलियन डॉलर की उनका वो बढ़ोतरी हुई है एक वीक में। वीक में और आपको बताऊं अभी उनकी संपत्ति कितनी है 60 बिलियन डॉलर। यार ये 3 महीनों में 3 महीनों में ये हुआ है। ये गाइस आप लोग 25 से 60 पे चला गया 60 पे। ओ तेरी यार ये क्या कर रहे मतलब दरख्तों पे लगे हुए क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं कौन सा माइंड ये अदानी ने मतलब मैं कहता हूँ मुकेश अंबानी बहुत ऊपर था ना। ये अगर जिस स्पीड से चल रहा है मुझे तो लगता है 3 महीनों में इतना किया है तो ये तो दुनिया का अमीर बन जाएगा अगर इस तरह। मतलब इनका मेरे ख्याल में बिजनेस क्या है भाई, ये कंस्ट्रक्शन भी है इनका, काफी सारे बिजनेस है। हो सकता है यार कमाल है ये अदानी नाम आज से 2-3 साल पहले किसी को पता भी नहीं था। पता भी नहीं था मुझे खुद नहीं पता था भाई मैं मतलब कमाल इसने कर दिया आकर मतलब एक ही दफा ही मतलब मैं भाई थोड़ा इन चीजों में दिया सबको मैं थोड़ा इन चीजों में घुसा रहता हूँ ना। हाँ। तो मेरे सामने वो आती रहती है मतलब न्यूज थी ना। हाँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि एलोन मस्क के मुकाबले की मतलब उन्होंने बढ़ोतरी की अपने यार कमाल कर दिया रिकॉर्ड तोड़ बंद। तो सच में 3 महीनों में
अच्छा 3 महीने पहले इनकी थी 8 हाँ, फिर 3 महीने एक साल पहले 8 थी हाँ, एक साल पहले यानी एक साल बाद फिर 25 हाँ, पे चला हाँ, गया और अभी 7 अभी गाइस इनका औरों का भी अंबानी सर का भी हमें बताना हमें वो मेरे ख्याल में 10th नंबर पे बैठे हैं अभी वर्ल्ड के अच्छा अंबानी यार भाई बहुत पैसा यार पैसे की रेल फेल हो रेल फेल क्या मतलब उठते बैठते जागते सोते और भाई टाटा सर इसमें पता क्यों नहीं है वो क्योंकि अपना डोनेशन ज्यादा डोनेट कर देते अगर उनका, वो उनका कंपनी में 65% शेयर है ना हाँ। उसमें से 64% वो डोनेट कर देते 1% अपने कभी कभी दे देते उसमें भी दे देते हैं लेकिन इस लिहाज से देखा जाए ना मैं सच्ची बात कहूंगा चाहे कोई मतलब जो मर्जी करे यार सच्ची बात दिल से रिस्पेक्ट है उनके लिए सच बता रहा हूँ इस वजह से अगर वो अपना इस तरह पैसा इकट्ठा कर से जिस तरह की उनके बिजनेस से जिस तरह वो चला रहे हैं एक सुई से लेकर मतलब कार इंडिया में एक टाटा और एक प्रेमचंद जी हैं हाँ वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डोनेशन कर यार मैं यही कह रहा हूँ कि यार ये अगर चाहे तो यार ये शायद जिस स्पीड से चल रहे हैं ये दुनिया की दूसरी तीसरे तरीन आदमी बन सकते हैं और भाई दूसरी बात बताऊँ आपको मुकेश अंबानी लोग भी करते हैं लेकिन ये उनका लेवल बहुत आगे यार ये टाटा लोगों का यार ये बिजनेस करते हैं इनका बिजनेस माइंड है सारा लेकिन वो लोगों के बारे में बिल्कुल बिल्कुल ये भी सोचते हैं लेकिन भाई मतलब इन्होंने भी जी वगैरह दिया काफी कुछ दिया बिल्कुल वो सी बात नहीं है लेकिन वो वाला बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना 64% जो अपनी जो इनकम है वो डोनेट कर दे बहुत बड़ी बात समान इंसान पूरी दुनिया में शायद हो यार भाई मैं बता रहा हूँ ये बहुत कमाल की यार हमें ये वीडियो लगी सच बोलो मुझे बहुत ज्यादा ये वीडियो और अदानी इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग था और बाकी सब आपने लिस्ट देखी है तो यार गाइस आपको थोड़ी और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।